अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी डम स्टिक्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी कोटिंग के साथ आपको ये मिलेगी रेसिपी। सो ज़रूर वॉच करिएगा, चैनल को लाइक भी करेगा, शेयर करेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चिकन ड्रम स्टिक ले लिए हैं मैंने, ये 1 kg हैं और विद स्किन लिए हैं मैंने। बहुत अच्छी इससे कोटिंग आती है क्रिस्पी सी। अगर आप नहीं चाहते स्किन तो आप स्किन रिमूव कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 8 to 9 पीसेस हैं। अच्छा जी, हम इनको कट लगा लेंगे ताकि अच्छे से इसमें स्पाइसेस एब्जॉर्ब हो जाएं। तो तमाम ड्रम स्टिक को आप इस तरह ये देखिए कट लगा लेगा ताकि सारे स्पाइसेस इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। चलो मैरिनेट करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने विनेगर लिया है 1 teaspoon, ताकि अच्छी सी इसमें चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और एक जूसी सा फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें। उसके बाद मैं ऐड करूँगी 1/2 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। सोया सॉस जाएगा इसमें अराउंड 1 teaspoon। हॉट सॉस ले लें या चिली सॉस ले लें, 1/2 teaspoon वो जाएगा। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 tablespoon और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा इसमें 1/2 teaspoon। और पेपरिका पाउडर जाएगा इसमें 1/2 teaspoon। अच्छा जी, इन सब तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेट कर लेंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 1-2 दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर आप लोगों को गेस्ट आ रहे हैं और बच्चों के स्कूल लंच के लिए आप लोगों को दे रहे हैं तो आप पहले से इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। अच्छे से इन तमाम मसालों को हमने मिक्स करके मैरिनेट कर लेना है चिकन के लेग पीसेस पे। और फिर अब हम इसे कवर करके मैरिनेशन के लिए रख देंगे अराउंड 30 मिनट्स, एट लीस्ट 1/2 hour हम इसे रख देंगे। अच्छा जी, तब तक हम इसकी सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। मिल्क मैंने ले लिया है 1/2 cup इसकी कोटिंग के लिए। अब हम तैयारी कर रहे हैं 1/2 cup मिल्क लेने के बाद उसमें हम डालेंगे 1 adad egg डाल देंगे। एग को मिक्स कर लेंगे मिल्क के साथ। अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। बहुत ही अच्छी एक इसकी कोटिंग बनती है इससे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ड्राई कोटिंग जो है क्या है, मैदा। मैदा ले लिया है मैंने 1 cup, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिएगा मैदा। ठीक है, तो अब हम अपने ड्रम स्टिक्स ले लेंगे और फिर इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने अपने ऐड करना है चिकन को मिल्क और एग के बैटर में। अच्छे से इसको डिप कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसको डिप करके भी तमाम ब्लैक पीसेस को 10 to 15 minutes के लिए भी रख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट में यानी मैदे में। अच्छे से हाथों से प्रेस करेंगे ताकि जो उसमें अच्छी सी ऊपर जो एक कोटिंग आती है वो इसी तरह प्रेस करने से आती है क्रिस्पी कोटिंग। तो अच्छे से हमने उसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है हाथों की मदद से। अच्छा जी, हम इसको अगेन डिप करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी कोटिंग करने के लिए हम 2 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं तो आप 1 दफ़ा सिंगल स्टेप में भी यानी कि सिर्फ 1 ही दफ़ा कोटिंग कर सकते हैं
और आपको मज़ीद ज़्यादा क्रिस्पी कोटिंग चाहिए तो आप दो दफ़ा भी इसको इस तरह रिपीट कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। अच्छे से थोड़ा सा फिर प्रेस करेंगे हाथों की मदद से ताकि अच्छे से इसकी जो कोटिंग बन जाए। अच्छा जी, इसको झाड़ लेंगे इस तरह लाइक, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। एक और मैं आपको कोटिंग करके दिखा देती हूँ और उसके बाद हम फ्राई करेंगे इसको। इसी तरह तमाम ड्रम स्टिक को आप लोगों को कोटिंग करके रख देंगे। तेल गरम कर लेंगे, तेल डीप फ्राई करेंगे हम इसको, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ठंडे ऑयल में आप इसे नहीं डालेंगे, वरना सारा जो तेल है वो चिकन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और कोटिंग भी इस तरह क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इस तरह अच्छे से हमने उसको फ्राई कर लेंगे 5 मिनट्स। एक तरफ जब वो फ्राई हो जाएगा तो हम इसे टर्न करेंगे, फिर स्लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे कुकिंग कर लेंगे। इसकी बहुत ही अच्छा सा जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसी तरह तमाम ड्रमस्टिक्स को मैंने रेडी कर लिया है। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सी ड्रमस्टिक रेडी हो चुके हैं। कोटिंग बिल्कुल परफेक्ट, जिस तरह बाहर से आप लोग लेते हैं वैसी बनी है। सो गाइज डू ट्राई दिस रेसिपी, बहुत ही सिंपल है, बच्चों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, लंच बॉक्स के लिए बहुत ईजी है। टेक केयर।